हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आहा लाइफ। स्टे फिट स्टे हेल्दी। सब्सक्राइब कीजिए आहा लाइफ यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक्ने और पिंपल्स के बारे में, और साथ ही इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बेहद यूजफुल रेमेडी यानी फेस पैक भी बताने वाली हूँ। आजकल की भागती दौड़ती और अनियमित जीवन शैली की वजह से हमारा खान पान पहले जैसा प्योर और हेल्दी नहीं रह गया है, और ऑयली मसालेदार और जंक फूड खाने की वजह से स्किन भी हेल्दी नहीं रह पाती। नींद पूरी ना होना और एक्सरसाइज की कमी, तनाव या वर्कलोड ज़्यादा हो जाने के कारण थकान या चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है, जिसका सीधा असर हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा देर तक मेकअप के रहने से भी हमारे चेहरे की स्किन अनइवन, डल और पैची हो जाती है। एक्ने या पिंपल्स होने के कई कारणों में से मेन है स्किन पोर्स का बंद हो जाना, स्किन के ऊपर डेड स्किन की लेयर का आ जाना, जिससे स्किन की निचली परत में ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और यही ऑयल स्किन के बाहर पिंपल्स के रूप में आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो रेमेडी यानी फेस पैक बनाने वाली हूँ, आइए देखते हैं उसे बनाना कैसे है। इसमें यूज करने वाले इन्ग्रीडियंट्स में से मेन है लौंग का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चौथाई चम्मच, शहद एक चम्मच और नींबू का रस आधा चम्मच। लौंग को पीस कर उसका पाउडर बना लें। लौंग में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण स्ट्रॉन्ग क्लींजर का काम करते हैं और इन्फेक्शन या इम्प्यूरिटीज को फैलने से रोकते हैं। इसके अलावा लौंग एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भी भरपूर होता है, जो स्किन से दाग धब्बे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं। शहद यानी हनी में नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, जिससे स्किन डीपली मॉइस्चराइज होती है। शहद डार्क सर्कल्स और रिंकल्स को भी कम करने में बेहद यूजफुल होता है। और नींबू तो स्किन के लिए नेचुरल ब्लीच के रूप में यूज किया जाने वाला सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है। स्किन को लाइट और सॉफ्ट रखता है और गहराई से क्लीन भी करता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक कांच के बाउल में मिक्स करके फिंगर से या ब्रश की मदद से इस फेस पैक को अपने चेहरे पर समान रूप से लगा लें। 10 मिनट तक इस पैक को अपने चेहरे पर लगा रहने दें। लौंग स्पाइसी होने की वजह से हल्की सी इचिंग आपके चेहरे पर हो सकती है, लेकिन टेंशन ना लें। शहद के साथ ब्लेंड होने के कारण ये स्किन को हील करने में बेहद यूजफुल हो जाती है। 10 मिनट के बाद सादे पानी से फेस को क्लीन कर लें। फेस वॉश करने के बाद आप अपने चेहरे पर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लें, जिससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा फ्लॉलेस, ब्यूटीफुल और ग्लोइंग नज़र आने लगेगी। इस रेमेडी को आप वीक में 4 से 5 बार यूज़ कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि पिंपल्स और एक्ने जैसे आपके चेहरे पर कभी थे ही नहीं। शरीर को भीतर से हाइड्रेट और तरोताज़ा रखने के लिए पानी बहुत सा पीजिए। मसालेदार और जंक फूड खाने से परहेज करें, एक्सरसाइज करें, ताज़े फल खाएं, तनाव से दूर रहें और नींद पूरी लें। और स्किन को बाहर से फ्रेश रखने के लिए रोज़ाना क्लीनिंग मॉइस्चराइजिंग के साथ ही हमारी बताई इस रेमेडी यानी फेस पैक को यूज़ कीजिए, और कुछ ही दिनों में पिंपल्स, एक्ने और वाइट हेड जैसी प्रॉब्लम्स को अलविदा कह दीजिए। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छे से टिप के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।